परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, और वो ये प्रमाण दे चुकी है, परंतु वो अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। प्रमाण का उत्तरकांड हमेशा से वाद विवादों में रह जाए, कुछ लोग उत्तरकांड को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मैं स्वयं जो उत्तरकांड को नहीं मानता, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है, और ये मैं आपको सिद्ध करने वाला हूँ। तो देखिए, माता सीता का जो परित्याग की बात है और जो दोबारा अग्नि परीक्षा लेने की बात है, वो जो उत्तरकांड में आती है। लेकिन आप में से वो लोग जो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन क्योंकि जानते होंगे, वो ये अवश्य जानते होंगे कि युद्ध कांड के बाद माता सीता का अग्नि परीक्षा हुआ था, और वो भी वो उन्होंने स्वयं दिया था। वो अग्निदेव से कहती है कि अगर मेरे सतीत्व को कलंक हो तो मुझे भस्म कर दीजिए, लेकिन अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर भगवान श्री राम को और चराचर के सभी प्राणियों को बताते हैं माता सीता जो है पवित्र है, और इस अग्नि परीक्षा को जो है चराचर के हर एक प्राणी मात्र ने देखा था। तो आप सोचिए कि चराचर के जब प्राणी मात्र ने पूरा माता सीता के अग्नि परीक्षा को देखा था, तो ये कहाँ से उत्तरकांड में कोई धोबी आता है और माता सीता के सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह उठा देता है। वहाँ सतयुग चल रहा था, वहाँ कलयुग तो था नहीं कि आज हम कुछ खाए और कल सुबह उठ के भूल गए। और इसी प्रकार के आपको कई सारे श्लोक और कई सारे प्रसंग देखने को मिलेंगे जो कि उत्तरकांड को जो है मिथ्या सिद्ध करते हैं।